डिफरेंट तो टाइप देखिए, वेव फॉर्म क्रिएट करने के लिए फंक्शन आपका जनरेटर में फंक्शन क्या क्या जनरेटर है, यूज होता ये है। देखिए, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये सब देखिए, सेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका वेव फॉर्म क्रिएट होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर, ये मल्टीप्लेयर, सॉरी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 25 फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और ये वाला अगर X1 में सेट करते हैं, यानी कि ये क्या है, 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं X x 10, तब, और यहाँ पर अगर 25 में सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 250 फ्रीक्वेंसी आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 गुना हो जाएगा। ऐसे ही 2500 हो जाएगा, ठीक है, 25,000 हो जाएगा, 1K X 1K है, 25,000 हो जाएगा। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप आइए एम्पलीट्यूड, तो जो जन जो आपका वेव फ्रॉम किट होगा उसका आपका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आइए, ये जो पॉट है, देखिए यहाँ पर क्या क्या वेव फ्रॉम बनेगा। पहले वाला देखिए, देखिए साइन वेव है, मिडिल वाला क्या है, मिडिल वाला आपका स्क्वायर वेव है, ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, आपका ट्रायंगुलर वेव है। तो ये 3 गो आप वेव फ्रॉम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्विच है, ठीक है, और ये दोनों आउटपुट है, हो गया। आप ये फंक्शन जनरेटर को ऑन करने के लिए आपको 220 वोल्ट चाहिए, ठीक है, फिर स्विच ऑन कर दिए, फिर देखिए।